गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। इन टूडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द टॉपिक डिविजिबिलिटी फॉर पटवारी एज वेल एज जेल सुपरिटेंडेंट एग्जाम, जेल वार्डन यू कैन से। सो जेल वार्डन का जो एग्जाम आया है स्टूडेंट्स SS बोर्ड के वालों, उसका सिलेबस जो डिस्क्राइब किया गया है वो सिलेबस ऑलमोस्ट इदा कह सकते हैं जो पटवारी के एग्जाम के लिए सिलेबस है, ऑलमोस्ट उही सिलेबस जो है वो जेल वार्डन के लिए रखा गया है। सो डिविजिबिलिटी काफ़ी एक वाइड टॉपिक है, काफ़ी लंबी डिस्कशन इस टॉपिक के उत्ते की जा सकती है। इस तो पहला भी काफ़ी पार्ट्स आए ने, अज एक होर पार्ट बनाने का अपना मन किया। तो क्वेश्चन अज के पार्ट के कुछ मैनुअली रहेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं कोशिश करा कि कुछ क्वेश्चन मैं अपना उतों लेके आव आप करिए, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 तो, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन जो अज मेरे माइंड सवेरे आया, सो उतों ही क्वेश्चन की शुरुआत वीडियो की शुरुआत करा सैशन की। सो सवेरे माइंड एक क्वेश्चन आया कि मान लो आपां देता एक क्वेश्चन कि फाइंड द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग, मतलब एक नंबर देता आपां नूं, दैट इज़ 13 ही ले लें, चलो ठीक है। सो 13 डिवाइडेड बाय 5। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुण तुसीं किवें फाइंड आउट करोगे, दिस इज़ द बेसिकली क्वेश्चन। देखो बेसिकली क्वेश्चन नूं करन दे बहुत मैथड ने। हुण देखो डिविजिबिलिटी बाय 5 देता है आपां नूं, मतलब नंबर जां तां देखो हुण डिविजिबिलिटी अगर इत्थे 13 है, जां तां देखो इत्थों एक ऑप्शन ये है कि रिमाइंडर थ्यूरम नाल क्वेश्चन नूं कीता जाए, रिमाइंडर थ्यूरम नाल क्वेश्चन नूं कंप्लीट कीता जाए, जो भी आंसर आएगा वो देखांगे। एक मैथड वो है। दूसरा मैथड अपने कोल की है, दूसरा मैथड ये है कि आपां इस क्वेश्चन नूं यूनिट प्लेस ना करिए, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 5 जो है वो यूनिट प्लेस नाल भी चैक हो जाएगी। सो क्वेश्चन नूं स्टार्ट करते हैं, फिर देखांगे क्वेश्चन दे विच अगे की बनेगा, ठीक है जी। सो पहला तो इस क्वेश्चन नूं मैं रिमाइंडर थ्यूरम नाल करने की कोशिश करांगा। अगर मैं 13 नूं 5 दे नाल डिवाइड करांगा तो मेरे को रिमाइंडर आएगा 3, मीनस आई कैन राइट दिस स्टेटमेंट एज, मैं जिहड़ी स्टेटमेंट गिवन है आपां नूं, इस स्टेटमेंट नूं मैं 3^13 लिख सकदा। जिहड़े स्टूडेंट्स इस वीडियो के बारे इस टॉपिक के बारे नहीं जानते कि मैं इसनों 3^13 किस तरह लिख रहा हाँ, वो प्लीज़ एक बारी डिविजिबिलिटी रूल्स जिहड़े ने डिविजिबिलिटी थ्यूरम रिमाइंडर थ्यूरम है एक बारी उसनों जरूर चैक कर। सो दिस विल बी 3^13 डिवाइडेड बाय 5। हुण स्टूडेंट्स मेरे को एक होर टॉपिक आ सकता है इतों कि मैं 3 नूं 2^ दे विच डिवाइड कर लाँ, मैं इसनों स्प्लिट कर लाँ 3^2 / 6, क्योंकि 3^2 है तो 6 × 12 हो जाएगा, नाल मल्टीप्लाई कर दें एज इट इज़ 3, ठीक है जी। ये स्टैप हो गया, डिवाइड दे विच 5 ही रहेगा, नो इशूज। इस तो बाद नैक्सट स्टैप दे विच की करांगे, जिहड़ा 3^2 है इसनों आपां 3^2 नूं 9 लिख लाँगे। सो नैक्सट स्टैप हो जाएगा 9^6 into 3 डिवाइडेड बाय 5। नाओ जिहड़े स्टूडेंट्स नूं पता होएगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर की हुंदा है एंड नैगेटिव रिमाइंडर की हुंदा है, दे कैन ईजीली फाइंड दैट कि अगर आपां 9 नूं 5 दे नाल डिवाइड करांगे तां अपने कोल की आएगा नैगेटिव रिमाइंडर, दैट इज़ -1। हुण स्टूडेंट्स ये नैगेटिव रिमाइंडर की है, किस तरीके नाल आपां क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्नी डिटेल दे विच तां मैं डिस्कस नहीं करांगा, मैं इत्थों थोड़ा जिहा शॉर्टकट लेके चल रहा हाँ। सो अगर थोनों इन्हां चीज़ां बारे तुसीं डिस्क्राइब ध्यान दे नाल देखना है तां तुसीं पुरानी वीडियो देख सकदे हो। इंटू 3 करता, पावर इस दी फिर तो 6 ही रखी, -1/6 ते डिवाइड दे विच 5 ही रखिया। सो इस तरीके ना सॉल्व आउट करके फाइनली अपने को जो आंसर आया दैट आंसर इज़
थ्री बाय माइनस द वन की पावर प्लस हो जो इवन है तो यह प्लस हो जाएगी, फाइनली अपने को थ्री बाय फाइव आ जाएगा। दैट मीनस इस क्वेश्चन के आंसर के अपना रिमाइंडर की आ जाएगा, रिमाइंडर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू थ्री। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स जो रिमाइंडर आएगा वो अपने को थ्री आ जाएगा। आई होप तुसी क्वेश्चन नू अच्छे तरीके नाल समझिया होएगा किस तरीके नाल आपां क्वेश्चन नू अप्रोच किया। हुण स्टूडेंट्स गल ये है कि इस क्वेश्चन नू आपां होर किस मैथड नाल कर सकते सीगे, बिकॉज पेपर के विच थोनू नहीं पता किहड़ा मैथड आ जाए थोड़े माइंड च ये चीज़ आए या ना आए। सो इस क्वेश्चन नू करन दा हुण आपां एक होर ऑल्टरनेटिव मैथड देखते हैं जिस दे नाल भी अपना आंसर सेम आना चाहिए है। सो हुण ओह मैथड चैक करते हैं। मैथड की है, 13 लिखा हुआ है। हुण देखो अपना यूनिट प्लेस लेके चलते हैं, जिन्होंने वैसे तो मैथड उही है ऑलमोस्ट, यूनिट प्लेस की होगी थ्री। आपां की करांगे यूनिट प्लेस फाइंड आउट कर लेंगे, जिहड़े यूनिट प्लेस आएगी वो अपना आंसर हो जाएगा। हुण इस दे विच नैगेटिव रिमाइंडर नहीं लवेंगे, इस दे विच की हो जाएगा 13 है, 13 की पहला तो आप इतने देख लें यूनिट प्लेस की है। सो अकॉर्डिंग टू यूनिट प्लेस इसमें आप लिख सकते हैं 3^13 वी कैन राइट इट। सो 3^13 जो आप फाइंड आउट करना है तो हूँ आप यूनिट प्लेस देखनी पड़ेगी किस तरह आएगी। स्टूडेंट्स 3^4 अगर आप करते हैं तो 81 आता है। दैट मीनस अगर मैं इसमें लिख ला 3^4 हूँ 4 3s 12, सो इतने मैं करता 3 × 3 करता, सो दैट 3^13 ना चेंज होए। ध्यान देना देखो की किया, 3^4 करता नाल 3^1 करता। दैन फरदर स्टूडेंट्स जी अपने को 3^4 है, दिस विल बी इक्वल टू 81। तो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा कि तुम्हें किस यूनिट प्लेस नाल चलना है। जिदा 81 आ गया, मैं 1 यूनिट प्लेस के उत्ते ले आया ताकि क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाए। सो 81^3 × 3^1। सो इस तरीके अगर तुम 81^3 की गल करोगे तो इसकी यूनिट प्लेस अगर 1 यूनिट प्लेस के उत्ते हो यूनिट प्लेस हमेशा 1 ही रहेगी। दैट मीनस कोई वैल्यू आ जाएगी जिसकी यूनिट प्लेस की होएगी, दैट्स यूनिट प्लेस विल बी 1। तो मल्टीप्लाई किस दे नाल करना है, मल्टीप्लाई इसमें आप करना है 3 दे नाल। तो अगर आप इन की मल्टीप्लीकेशन करा तो अपने को यूनिट प्लेस के उत्ते स्टूडेंट्स की आ जाएगा, जो अपने को एक वैल्यू आ जाएगी जिसकी यूनिट प्लेस के उत्ते 3 होएगा, बाकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एंड अगर आप इस वैल्यू नू लैट्स सपोज अपने कोई भी वैल्यू आ जाती है उसकी यूनिट प्लेस 3 है, उस वैल्यू नू अगर आप 5 दे नाल डिवाइड करते हैं तो अपने को कितना आंसर आना चाहिए। ओबियसली अगर मैं इतने 93 ले लाँ या 1003 ले लाँ या कोई भी वैल्यू ले लाँ तो अगर यूनिट प्लेस के उत्ते 3 है तो रिमाइंडर 5 के केस के 3 ही रहेगा। सो दो मैथड्स आप फॉलो कर सकते हैं, या तो यूनिट प्लेस मैथड फॉलो किया जा सकता है स्टूडेंट्स, या फिर रिमाइंडर थ्यूरम के नाल भी इस क्वेश्चन नू किया जा सकता है। बट मैं प्रैफर करांगा रिमाइंडर थ्यूरम, क्योंकि जदों तक डिविजिबिलिटी बाय 5 है उदों तक थोड़ा जा क्वेश्चन ईजी हो जाता है, तुसीं ईजीली इस तरीके नाल फाइंड आउट कर सकते हो वैन द डिनोमीनेटर इज़ 5 or 10। अगर डिनोमीनेटर के 10 भी है तो भी तुसीं इस क्वेश्चन नू यूनिट प्लेस दे नाल कर सकते हो, अगर डिनोमीनेटर के 5 भी है तो भी तुसीं इस क्वेश्चन नू ईजीली यूनिट प्लेस के नाल कर सकते हो जिस तरह हुण करके हटे हाँ। बट स्टूडेंट्स अगर डिनोमीनेटर के 4 आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, दैन यू हैव टू फॉलो द मैथड ऑफ रिमाइंडर थ्यूरम, उदों तुसीं रिमाइंडर थ्यूरम नू फॉलो करन दी कोशिश करनी है। मैं एक दो क्वेश्चन होर अज दी वीडियो दे विच इसे टॉपिक दे नाल रिलेटेड डिस्कस करांगा, सो दैट थोनू कोई डाउट ना रहे ताकि तुसीं अच्छे तरीके नाल प्रिपेयर कर सको। बाकी किते भी थोनू डाउट लगता है किसी भी वीडियो दे विच किड़े किसी भी क्वेश्चन दे विच तां तुसीं स्टूडेंट्स उसका स्क्रीनशॉट लैके मैनू सेंड करना है, सो दैट आपां उस क्वेश्चन नू अगे शेयर कर सकीए डिस्कस कर सकीए ते थोड़ा जिहड़ा डाउट होवेगा उसनू क्लीयर करन दी कोशिश करिए। सो स्टूडेंट्स नैक्सट क्वेश्चन आपां ले रहे हैं, हुण क्वेश्चनस मिक्स ने, देखो क्वेश्चन दे विच मैं थोनू दसांगा कि क्वेश्चन नू तुसीं दोनों मैथड दे नाल भी किस क्वेश्चन नू अप्रोच करना है,
किस क्वेश्चन नूं तुसीं यूनिट प्लेस नाल अप्रोच करो तां अच्छा रहेगा, किस क्वेश्चन नूं तुसीं अपने अपने मैथड ने सो उस दे अकॉर्डिंग आपां गल करदे हां। हुण मान लो आपां नूं देता इत्थे 97 रेस्ट दी पावर 97 या इत्थे 97 रेस्ट दी पावर, ठीक है जी, इत्थे आपां ले लिया 99। सो स्टूडेंट्स एक होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हुण देखो इसनूं करन दा मैथड की है। मैं इत्थे डिविजिबल ले लिया, डिविजिबिलिटी बाय 5। हुण देखो एक तो ऑप्शन ए है कि मैं इसनूं पहला रिमाइंडर थ्योरम दे थ्रू स्प्लिट करा, रिमाइंडर थ्योरम दे थ्रू स्प्लिट करांगा, पहला इत्थे 2 आ जाएगा, ठीक है जी, फिर उसनूं फर्दर सॉल्व करा। बट एक मैथड ये भी है कि मैं यूनिट प्लेस दे थ्रू कर लाँ। सो दोनों मैथड दे विच्चों जिहड़ा भी मैथड मैनूं सही लगेगा मैं वह फॉलो करांगा। मैनूं मैथों लग रहा है कि यूनिट प्लेस वाला मैथड मैनूं जल्दी आंसर दे देगा, जो मेरा फील है कि यूनिट प्लेस वाला क्वेश्चन मैनूं जल्दी आंसर दे देगा। मैं थोड़ा पूरा मैथड एक्सप्लेन करांगा दोनों मैथड, पर मैनूं इत्थों लग रहा है कि यूनिट प्लेस वाला मैथड जल्दी आंसर दे देगा। मैं उस कोस मैथड दे नाल क्वेश्चन दे विच जाण दी कोशिश करांगा, एक मिनट वेट करियो जी। सो बेसिकली स्टूडेंट्स बहुत मैथड हुंदे ने, सो आपां हुण जिस तरह डिसाइड कीता कि क्वेश्चन यूनिट प्लेस मैथड नाल ईजीली हो जाएगा। बिकॉज देखो 7 रेस्ट की पावर की अगर आप गल करिए, 7 का 49, 49 7 का समथिंग लाइक 63, तो 7 की पावर 4 की अगर गल करिए, 7 रेस्ट की पावर 4 अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो अपनी यूनिट प्लेस के उत्ते 1 आ जाएगा। 7 रेस्ट की पावर 4 विल बी इक्वल टू यूनिट प्लेस 1। तो अगे इस कर लें इतने आ जाएगा 24, 24 इंटू 4 96 आ जाएगा, नाल मल्टीप्लाई कर देने 7 रेस्ट की पावर 3। सो नाल मल्टीप्लाई कर देने 7 रेस्ट की पावर 3, दिस होल टर्म विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 रेस्ट की पावर 4। देखो 7 का 49, 49 7 ना कर देंगे समथिंग लाइक यूनिट प्लेस के उत्ते 3 आ जाएगा, फिर 3 7 ना करा 1 आ जाएगा। मीनस 7 रेस्ट की पावर 4 जो है दैट विल बी इक्वल टू यूनिट प्लेस 1। यूनिट प्लेस 1 रेस्ट की पावर कुछ भी कर दो तो यूनिट प्लेस स्टूडेंट्स 1 ही रहेगी, इंटू हूँ 7 रेस्ट की पावर 3 है। 7 रेस्ट की पावर 3 की अगर गल करिए, 7 का 49, तो 49 इंटू 3, सो 9 3 इज़ द 27। सो ध्यान दे नाल देख लो इत्थे की आएगा, 7 का 49। एक मिनट जी, 7 का 49 अगे आ जाएगा 7 9 का 63। सो इसकी यूनिट प्लेस के उत्ते आ जाएगा 3। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये चीज़ा क्लीयर नहीं होगी फिर क्वेश्चन की प्रॉब्लम रहेगी। इतने कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, इतने कुछ भी हो सकता है, इतने आप फाइंड आउट अपन जरूरत उस चीज़ की नहीं है। इन द सेम वे इतने भी अपन कुछ जरूरत नहीं है। सो हूँ देखो इस तो बाद यूनिट प्लेस 1 ही रहेगी, 1 का जिन्ना मर्जी कुछ करते रहो, मान लो 71 रेस्ट की पावर कुछ भी करते रहो तो यूनिट प्लेस हमेशा 1 ही रहेगी उसकी। इन द सेम वे मान लो थोड़े को आ गया 91 की पावर कुछ भी होए, यूनिट प्लेस हमेशा स्टूडेंट्स 1 ही रहेगी। सो दैट मीनस इतों यूनिट प्लेस कितनी आ गई, इस जो न्यूमिनेटर टर्म है जी उपर वाली टर्म है इसकी यूनिट प्लेस आ गई अपने को 1 × 3, दैट विल बी इक्वल टू 3। सो अगर यूनिट प्लेस 3 है, कोई भी नंबर है अगर उसकी यूनिट प्लेस के उत्ते 3 है तो उसनू अपन डिवाइड कर रहे हैं विद 5 तो अपने को रिमाइंडर की आएगा ऑलवेज 3 आएगा। सो पहला तो एक मैथड समझ लो, फिर आप दूसरे मैथड की गल करते हैं, ठीक है जी। एक तो यह हो गया अपने को इस मैथड के नाल अपना यूनिट प्लेस आ गया 3, तो यूनिट प्लेस 3 आन करके रिमाइंडर भी की आ जाएगा, रिमाइंडर भी 3 आ जाएगा अगर आप 5 के नाल डिवाइड करांगे। फर्स्ट मैथड स्टूडेंट्स आई होप थोनू समझ आ गया होगा। हुण गल करते हैं इसे क्वेश्चन नू करन दे लई दूसरे मैथड की। सो इसे क्वेश्चन नू करन दे लई दूसरा मैथड की है वह समझते हैं, दूसरे मैथड के उपर चलते हैं। दूसरा मैथड स्टूडेंट्स की है, तो सैकेंड मैथड इज़ 97 रेस्ट की पावर 99। एक बार क्वेश्चन नोट कर लिए। सो क्वेश्चन कह रहा सी 97 रेस्ट की पावर 99। सो 97 सी इत्थे, अगे अपने कोल सी 99 डिवाइडेड बाय 5 एंड इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर भी अपने कोल 3 आया है। सो ये आपां हुण चेक करना है किस तरह आया अपने को 3।
देखो स्टूडेंट्स किस तरह कर सकते हैं, हुण आपां करांगे इस क्वेश्चन नूं बाय द मैथड ऑफ रिमाइंडर थ्यूरम। रिमाइंडर थ्यूरम का मैथड यूज करते हैं, उस मैथड नाल इस क्वेश्चन नूं डिस्क्राइब करते हैं कि अपने को किस तरह आंसर अप्रोच आपां किस तरीके नाल सेम आंसर लेके आना है। ठीक है जी, कितने भी स्टूडेंट्स कोई भी डाउट आता है तो जरूर पूछना है, क्योंकि डाउट्स के नाल चलोगे फिर प्रॉब्लम आएगी फर्दर अगे जाके। तो हाँ जी, हुण गल करते हैं इस क्वेश्चन की। सो 97, देखो 97 नूं 5 दे नाल डिवाइड करांगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। सो इसे स्टेटमेंट नूं मैं होर किस तरीके नाल लिख सकदा हां, 2 raised to the power 99। सो 2 raised to the power 99 एंड डिवाइडेड बाय 5। हुण स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं स्टूडेंट्स लिख रहा हां। हूँ देखो 2 को 5 ना डिवाइड करांगे तो नैगेटिव रिमाइंडर -3 आएगा, या पॉजिटिव रिमाइंडर तो अपने को ऑलरेडी 2 है। सो आप की करते हैं 2 raised to the power 4 के इसको कन्वर्ट कर लें ताकि अपने को 16 आ जाए, फिर आप इसको फरदर सॉल्व कर लेंगे। सो 2 raised to the power 4, ठीक है जी, raised to the power कि आ जाएगा 24 आ जाएगा, नाल की आ जाएगा 24 4 96, तो नाल आ जाएगा 2 raised to the power 3। सो बहुत सारे मैथड होंगे ने क्वेश्चनस नूं अप्रोच करन दे, डिपेंड करता है तुसी किहड़ा मैथड एग्जाम दे विच तुहाडे माइंड दे विच क्लिक कर गया। सो अगर ये वाला मैथड क्लिक कर जाता है फिर इस दे नाल भी अप्रोच कर सकते हो, 1-2 मिनट बाद लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पै चलिया। सो इतों स्टूडेंट हूँ ये बन जाएगा जी 16। सो अगले स्टैप दे विच ही कर लैने, चलो कन्फ्यूज नहीं होना तुसी, बिकॉज कन्फ्यूज होवोंगे फिर दिक्कत रहेगी। सो इट विल बी 16 raised to the power 24। 16 की पावर किन्नी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 24 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड आपां इहनूं करता 5 दे नाल, ते फर्दर आपां इहनूं मल्टीप्लाई भी करता है, मल्टीप्लाई वाली टर्म अपनी रह गई सी, दैट वाज 2 raised to the power 3 सीगा, सो इसनूं 8 लिख लैंदे आ। ठीक है जी, स्टैप बाय स्टैप आपां जिन्ना भी करना सीगा फिलहाल कर चुके हैं। अगले स्टैप दे विच की करांगे स्टूडेंट्स, अगले स्टैप दे विच इह है कि 16 नूं जदों तुसीं 5 दे नाल, हुण देखो ए 16 क्यों बनाया आपां, बिकॉज इत्थों रिमाइंडर अपना की आ जाएगा 1। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना हुंदा है, जदों भी आपां पहलां वीडियोज़ दे विच डिस्कस कीते ने टॉपिक, तां हर चीज़ मैं अप्रोक्सीमेटली अपने वल्लों कोशिश कीती है चलो समझा सकीए। सो इत्थों रिमाइंडर की आ जाएगा, रिमाइंडर अपना आ जाएगा 1। सो 1 raised to the power 24, देखो हुण इत्थों आ गया 1 raised to the power 24, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट्स, ये नैगेटिव एंड पॉजिटिव रिमाइंडर की होंगे ने तुसी पुरानी वीडियोज़ दे विच जाके देख सकते हो, into 8 डिवाइडेड बाय 5। सो अगले स्टैप दे विच चैक करो, अगले स्टैप च की हो जाएगा, अगले स्टैप दे विच 8 by 5 रह जाएगा ये, सो इट विल बी 8 by 5। तो अगर डिवाइड करोगे तो अपना रिमाइंडर की आ जाएगा, रिमाइंडर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 3 अगेन, तो इस दे विच भी रिमाइंडर जो है स्टूडेंट्स वो 3 ही आएगा। गल सिर्फ ये है कि आपां पेपर दे विच टाइम थोड़ा जा बचाण दी कोशिश करनी है, किस तरीके नाल आपां टाइम बचा सकते हाँ वो क्वेश्चन ते डिपेंड करता है। जिस तरह हुण इस क्वेश्चन दा आंसर आपां 2 तरीकों नाल सॉल्व किया, एक तो आपां सिंपल यूनिट प्लेस देख लिया, बट वो यूनिट प्लेस हर जगह आपां यूज़ नहीं कर सकते। अगर डिविजिबिलिटी बाय 3 आ जाती है या डिविजिबिलिटी बाय 4 आ जाती है फिर यूनिट प्लेस तो थोड़ी जी प्रॉब्लम आ जाती है। सो उस चीज़ का भी तुसीं बिल्कुल माइंड दे विच ध्यान रखना है कि कित्थे यूनिट प्लेस की जरूरत है, कित्थे यूनिट प्लेस की जरूरत नहीं है, वो सारिया चीज़ों माइंड दे विच तुसीं लेके चलना है। सो 1-2 questions होर देखते हैं अज की वीडियो दे विच जिहड़े आपां इंपोर्टेंट मान सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए कह सकते हैं, इदा नहीं है कि सिर्फ पटवारी एग्जाम है, SSC के लिए भी ये क्वेश्चनस SSC एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट ने। जिहड़े स्टूडेंट्स जूनियर्स ने अज तक, चलो हुण पता नहीं साढ़े तक कि मतलब साड़ी तो किस्मत चलो है या नहीं है, कुछ कह नहीं सकते जॉब के बारे। सो एक यही कह सकते हैं कि चलो थोड़े को टाइम है अजे, जेडे फ्रैशर्स ने या जिन्हों को अजे काफ़ी चांसिस ने या जिन्हों का मन अजे नहीं अक्या, मन असल चकता नहीं है, मन नहीं अकता होंगे, ये टाइम होंगे, कई बार किस्मत कई बार साथ नहीं दिंदी, फिर बंदा सोचता भी चलो छोड़ो की रखा इन्होंने चीज़ों से पढ़ाई लिखाई च। सो कई बार माइंड के आदि ने चीज़ा, बट उम्मीद करांगे चलो जल्दी उस चीज़ तो बाहर निकलीए।
सो मान लो आप थोड़ा क्वेश्चन आ गया 44 रेस्ट द पावर 44 ही ले लेने, चलो थोड़े रैंडम क्वेश्चन होंगे ने मेरे कई बारी। सो 44 रेस्ट द पावर 44 प्लस अगे आ गया जी अपने को प्लस 39 रेस्ट द पावर 39। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कह सकते हैं, थोड़ा जहा यह है कि रैंडमली आप ले लें क्वेश्चनस न, इस करके थोड़ा जहा हो जाता कई बार, किसी बुक के पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं ने। एंड हुण आपां इहनूं डिवाइड कर दिए जी मेरे ख्याल नाल 5 दे नाल, तां आपां नूं इह पुछिया गया है वट विल बी द रिमाइंडर इन दिस क्वेश्चन। तां डिविजिबिलिटी रूल दे नाल बिल्कुल क्वेश्चन रिलेटड है जो टॉपिक पटवारी ने लिखा हुआ पटवारी के एग्जाम के या जेल वार्डन के एग्जाम के, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है उस एग्जाम के। गल सिर्फ ये है कि हुण आपां इस क्वेश्चन नूं अप्रोच किवें कर रहे हैं, ठीक है जी। सो एक बार मैं रिक्वेस्ट करांगा कि तुसीं इस क्वेश्चन नूं ट्राई जरूर करो, एटलीस्ट एक बार तुसीं जरूर ट्राई करो, उस तो बाद आपां इस क्वेश्चन नूं फिर डिस्कस करते हैं। सो एक बार मैं जरूर चाहांगा कि तुसीं इस क्वेश्चन नूं ट्राई करो, अगर तुसीं अजे तक नहीं किया तां वीडियो नूं पॉज कर लो, वीडियो नूं पॉज करन तो बाद एक बार जरूर इस क्वेश्चन नूं ट्राई करो। गल करते हैं पॉजिटिव एंड नैगेटिव रिमाइंडर की। स्टूडेंट्स देखो 44 है, अगर ये 45 होंदा तां 5 ना डिविजिबल हो जाता ईजीली। पॉजिटिव एंड नैगेटिव रिमाइंडर चलो थोड़ा जहा क्विकली रीकैप कर लें, अगर ये 44 ना होके 45 होंदा तां ये ईजीली डिवाइड हो जाता 5 दे नाल। दैट मीनस इसका पॉजिटिव रिमाइंडर देखोगे तो 4 आएगा, जिहड़ा नॉर्मल डिवाइड करते हैं अपना, ठीक है जी, जिहड़ा नॉर्मल डिवाइड करते हैं अपना एंड नॉर्मल अपने को रिमाइंडर आता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रिमाइंडर, उसनू पॉजिटिव रिमाइंडर कहा जाता है। अगर मैं इस केस के विच नैगेटिव रिमाइंडर की गल करा तो वह वैल्यू जिसनों ऐड करके डिविजिबल हो जाए नंबर, उसनू कहा जाता है नैगेटिव रिमाइंडर। लाइक इन दिस केस इत्थे तुसी देख सकते हो 44 लिखा हुआ स्टूडेंट्स। सो 44 नू अगर 45 कर दें आपां तां 45 करन दे नाल इह 5 दे नाल ईजीली की हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दैट मीनस इत्थे इस क्वेश्चन दे विच इस 44 दा अगर आपां पॉजिटिव रिमाइंडर देखिए तां पॉजिटिव रिमाइंडर अपने कोल स्टूडेंट्स आएगा प्लस 4। अगर आपां नैगेटिव रिमाइंडर देखिए तां नैगेटिव रिमाइंडर अपने कोल आएगा माइनस 1। सो नैगेटिव रिमाइंडर का मतलब यह होंदा है कि केड़ी वैल्यू ऐड की जाए, लाइक हुण इत्थे माइनस तो मतलब तो यही है कि नैगेटिव रिमाइंडर है मतलब ये ऐड करनी है वैल्यू, बट वैल्यू जी ऐड होएगी उसनू अपना मैनशन कर देना, लाइक माइनस 1 ऐड होएगा ना, तो इसनों आप नैगेटिव रिमाइंडर मनना है, इस करके इस दे नाल आपां माइनस साइन यूज कर लैने। सो इट विल बी माइनस 1। सो इतों नैगेटिव रिमाइंडर के नाल थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, पॉजिटिव के नाल थोड़ा कंपलैक्स हो जाएगा। सो माइनस 1 रेस्ट द पावर 44 माइनस 1 रेस्ट द पावर 44 प्लस हूँ देखो इतों 39 के केस के भी सेम ओ चीज़ हो जाएगी, 39 के केस के भी सेम चीज़ हो जाएगी। अगर यह पॉजिटिव रिमाइंडर, इफ वी सी द पॉजिटिव रिमाइंडर, अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर देखा तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 35 का 35 तो बाद 4 आएगा, बट इफ वी सी द नैगेटिव रिमाइंडर तो अगर आप नैगेटिव रिमाइंडर की गल करिए नैगेटिव रिमाइंडर स्टूडेंट्स इतों माइनस 1 बन जाएगा 40 वास्ते, क्योंकि 39 के 1 ऐड करा तो 40 बन जाएगा। दैट मीनस इतों अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर देखिए तो आएगा अपना 4, बट अगर नैगेटिव रिमाइंडर देखिए दैट विल बी माइनस 1। सो इस नैगेटिव रिमाइंडर का कंसैप्ट भी अज तुसी सीख लेना है, जेकर थोनू हजे भी कोई डाउट है तो आप उस चीज़ को बिल्कुल क्लीयर करके थोनू भेजांगे, ठीक है जी, उस चीज़ के बारे सोचना नहीं है ज़्यादा। सो ये माइनस 1 आ जाएगा, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, इट्स पावर विल बी 39, ठीक है जी। सो ये 39 होगी, इस तो बाद की है स्टूडेंट्स, इस तो बाद देखो माइनस 1 रेस्ट की पावर 44, माइनस 1 की पावर कितनी है देखो 44, इतने माइनस 1 की पावर 39, तो माइनस नैगेटिव नंबर की पावर वैसे तो माइनस 1 ही है। सो माइनस 1 की पावर 44 होएगी, ईवन पावर तो यह बन जाएगा 1। अगर
माइनस वन की पावर ऑड होएगी जिस तरह इतने 39 है तो यह की बन जाएगा प्लस माइनस वन। ठीक है जी। सो इन दोनों की करते हैं हम ऐड कर दें वन के माइनस वन ऐड करा तो आंसर की आ जाएगा आंसर विल बी इक्वल टू जीरो। अपने को आंसर स्टूडेंट्स की आ जाएगा अवर आंसर विल बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। दैट मीनस इसका मतलब की बनिया कि जाता ये दोनों ऐड होकर आपू यूनिट प्लेस के उत्ते की दे देंगे 44 रेस्ट की पावर 44 प्लस 39 रेस्ट की पावर 39। ये दोनों का जो आप सॉल्व करके एडिशन करा तो अपने को यूनिट प्लेस के उत्ते जीरो आ जाएगी। दैट मीनस रिमाइंडर भी की आ जाएगा रिमाइंडर जीरो आएगा। देखो यूनिट प्लेस के उत्ते जीरो आ गया अगर जीरो वाली यूनिट प्लेस के उत्ते वैल्यू आ जाएगी जीरो नूं 5 नाल डिवाइड करांगे तो रिमाइंडर की आ जाएगा रिमाइंडर विल बी इक्वल टू जीरो। सो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा जी जीरो। जीरो विल बी द रिमाइंडर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जिहड़ा क्वेश्चन अपना दिता होया है इस क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर जो है वह जीरो आएगा। सो स्टूडेंट्स आई होप तुसी क्वेश्चन नूं समझिया होएगा। कितें भी कोई भी डाउट थोनू इस क्वेश्चन दे विच लग रहा है या अगले जिहड़े क्वेश्चन आपां करांगे उहनां दे विच कितें भी थोनू कोई डाउट लग रहा होएगा तो तुसीं जरूर पूछना है क्योंकि डाउट अगर क्लीयर नहीं करोगे फिर क्वेश्चन्स नूं करन दे विच ऑब्वियसली काफ़ी प्रॉब्लम्स फर्दर भी आनगियां। सो हुण गल करदे हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन की। नैक्सट क्वेश्चन जो है वो थोड़ी स्क्रीन के उत्ते हुणे डिस्प्ले होएगा जी। नैक्सट क्वेश्चन आपां खुद ही कर रहे हैं अज क्वेश्चन सो डिस्प्ले होने वाली गल तो चलो दूर दी रह गई। ठीक है जी। सो नैक्सट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन के उत्ते मैं खुद ही लिख रहा हाँ। सो नैक्सट क्वेश्चन थोड़ा चलो तुम एक बार ट्राई करना है। क्वेश्चन की है 39 रेस्ट की पावर थोड़ा जहा चेंज करता चलो 38 ले लें। ठीक है जी 38 रेस्ट की पावर 38 रेस्ट की पावर 100। सो 38 रेस्ट की पावर 100 है जी तो डिवाइड इसनों कर रहे अपना 7 के नाल थोड़ा जहा चेंज कर लें चलो 38 रेस्ट की पावर 400 ले लें। सो 38 रेस्ट की पावर 400 डिवाइडेड बाय 7 इस क्वेश्चन का आंसर अपना हम फाइंड आउट करना है कि किमें आएगा। ठीक है जी। सो स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर देखांगे जी बिल्कुल ताकि कोई भी थोनू दिक्कत ना आए क्वेश्चन दे विच। सो स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर स्टूडेंट्स ये है कि पहला तो 38 नूं अगर आपां 7 दे नाल डिवाइड करते हैं तो 7 5 दा 35 मीनस इत्थे की आ जाएगा रिमाइंडर विल बी। हुण ये क्वेश्चन मैं रिमाइंडर दे नाल करांगा क्योंकि अगर मैं यूनिट प्लेस नाल चले गया तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। सो यूनिट प्लेस नाल कोई आइडिया नहीं है कि बनेगा क्वेश्चन का कुछ नहीं कह सकते। सो इत्थे आ जाएगा 3। वैसे भी मैं थोड़ा एक सजेशन अपना दवांगा कि अगर 5 और 10 की डिविजिबिलिटी होए तो यूनिट प्लेस वाला मैथड रखो अदरवाइज रिमाइंडर थ्योरम वाला कंसैप्ट लेके चलो। सो इट विल बी 3 रेस्ट की पावर 400 विल बी देयर तो डिवाइड इन कर रहे हैं अपना 7 के नाल। हुण इत्थे देखो की कर सकते हैं अपना 3 है अपने को 3 3 का 9 9 3 का 27 तो अगर आप 27 बना लीए तो अपने को रिमाइंडर जो है वह 1 की फॉर्म के आ जाएगा। इतने की करते हैं 3 रेस्ट की पावर 3 बना दें 3 3 इज़ द 27। सो 3 3 इज़ द 27 अगे 3 1 द 3 सो इतने आ जाएगा 133। सो 133 विल बी देयर ये बन जाएगा जी 399 तो नाल ये आ जाएगा 3 रेस्ट की पावर 1। सो ये स्टूडेंट्स स्प्लिट किस तरह करना है ये भी तुसी समझ लेना एक बारी कोई प्रॉब्लम लगती है तो जरूर पूछना। ठीक है जी। सो इट विल बी 7 नाउ। हुण अगले स्टैप दे विच की करांगे अगले स्टैप दे विच 3 नूं ओपन कर लैंदे आ 3 3 3 रेस्ट की पावर 3 नूं इट विल बी 27 3 3 इज़ द 9 9 3 इज़ द 27। सो 27 रेस्ट की पावर 133 विल बी देयर 27 की पावर स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी दैट विल बी 133 एंड डिवाइडेड बाय 7 है अपने को उदा ही चल रहा
नाल इसते की है, नाल इसते 3 रेस टू द पावर 1 है, मीनस 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो अगे चलते हैं, दैन स्टूडेंट्स इट विल बी इक्वल टू, सो स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर चल रहा अपना। नाओ इस केस के हम की लवेंगे नैगेटिव रिमाइंडर, बिकॉज 7 4 दा 28, तो 27 के कि ऐड करिए जिस नाल डिविजिबल हो जाए दैट विल बी 1, तो यह नैगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा माइनस 1 रेस टू द पावर 133 into 3 डिवाइडेड बाय 7। स्टूडेंट्स इतों तक नोट कर लो पहला, फिर अगले स्टैप दे विच अपन करते हैं क्वेश्चन नू। सो अगला स्टैप की है, देखो अगले स्टैप दे विच की है, जदों भी अपने को इस तरह आ जाता है माइनस 1 रेस्ट की पावर, हूँ देखो इतने पावर की है, पावर इज ऑड पावर, सो माइनस 1 की पावर कितनी है 133, दैट मीनस इतने यह चेंज नहीं होएगा, इट विल रिमेन माइनस 1, यह माइनस 1 ही रहेगा, माइनस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7। हूँ देखो ये की आ गया माइनस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7। सो इन द नैक्सट स्टैप स्टूडेंट्स इट विल बी इक्वल टू माइनस 3 बाय 7, ये अपने को की बन जाएगा माइनस 3 बाय 7। अगर तो स्टूडेंट्स ये अपने को रिमाइंडर जोड़ा है वह अपने को पॉजिटिव आता, फिर तो आप डायरैक्टली लिख दें, अगर 3 बाय 7 हों दैन आप ईजीली लिख दें दैट रिमाइंडर विल बी 3। बट इतने की है जो अपने को नैगेटिव रिमाइंडर आ जाता है, जिस तरह इतने नैगेटिव वैल्यू आ गई है माइनस 3, तो इस केस के आप डायरैक्टली रिमाइंडर नहीं लिखते, इस दे विच की है रिमाइंडर विल बी इक्वल टू, रिमाइंडर किस दे इक्वल आता है स्टूडेंट्स, इन दिस केस रिमाइंडर विल बी इक्वल टू जिस टर्म ना आप डिवाइड कर रहे हैं उस दे विचो नैगेटिव वैल्यू जी आती है उसनों ऐड किया जाता है, लाइक इतने की होएगा 7 प्लस माइनस 3। सो यूअर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो पॉजिटिव रिमाइंडर अपना इस क्वेश्चन के लिए बनेगा 4। सो 7 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 4, सो 4 विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 4 अपना इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सो इस तरीके के क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स ट्राई करने ने आज की वीडियो दे विच, एक क्वेश्चन होर कर दें उस तो बाद एक ब्रेक लवेंगे थोड़ी जी 10-15 मिनट की, उस तो बाद आप सैशन नू कंटिन्यू करांगे। सो अगला क्वेश्चन जो आप ले रहे हैं दैट विल बी डिस्प्लेइंग ऑन यूअर स्क्रीन, थोड़ी स्क्रीन के उत्ते मैं कोशिश करांगा कि लिखा उस क्वेश्चन नू। हाँ जी, सो नैक्सट क्वेश्चन दैट यू कैन अज्यूम इज 12 रेस्ट द पावर, चलो 12 ही ले रहे हैं, चलो ट्वेल्व रेस्ट द पावर 44 डिवाइडेड बाय 9। सो आप एक क्वेश्चन ये कर लें, इस तो बाद आप एक छोटी जी ब्रेक लवेंगे। सो 12 रेस्ट की पावर 44 डिवाइडेड बाय 9, सो इस क्वेश्चन का आंसर इतने तुसी स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। एक काम करते हैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक है जी, क्वेश्चन दे विच की करो 12 रेस्ट की पावर 43 कर लो या 43 कर लें। सो 12 रेस्ट द पावर 43 डिवाइडेड बाय 9। सो दिस इज द क्वेश्चन, नाउ ए स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नाउ सी द अप्रोच,
फर्स्टली चैक द पॉजिटिव रिमाइंडर स्टूडेंट्स चैक करते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 12 नू 9 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵਿਲ ਬੀ 3। ਸੋ 3 3 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 43 ਵਿਲ ਬੀ देयर, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 9। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵੀ ਕੈਨ ਸਪਲਿਟ ਦਿਸ 3 ਇਨਟੂ 3 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 3 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਬੱਚੇ 9 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 3 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 21, 21 2 ਇਜ਼ ਦਾ 42 ਇਨਟੂ 3 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 9। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ we can write it as 9 raised to the power 9 raised to the power 21 into 3 divided by 9। so after this you can see here 9 will cancel out and remainder from 9 raised to the power 21 will be equal to 0। so 0 remainder will come from here, 0 into if 3 is divided with 9 then we get 3, but 0 into 3 this will give me 0 remainder। so that means for this question 12 raised to the power 43 divided by 9, the answer of remainder of the question will be equal to 0। so in this case the remainder of the question will be equal to 0। so students we will continue this session, now I am just going for 2 to 3 minutes break, after that we will continue this session and we will see some questions from the book also। so if you feel that this video is useful to you then you can like, share and subscribe to our YouTube channel so that other students will also get the benefit। so that's why we request you to share the channel link and subscribe to our channel so that all the viewers who are watching this video can take the benefit of our content। so this video is regarding the Patwari and Jail Warden exam। So you can share this video if you find it useful। Thank you so much for that sharing। देखो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन किदा पूछा जा सकता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस के नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को की है 13 रेस्ट दी पावर 13 रेस्ट दी पावर 49, चलो 499 ले लेने हैं। सो क्वेश्चन थोड़ा जा ताकि बढ़िया लगे। सो 13 रेस टू द पावर 499 प्लस इतने आप ले लिया 20 रेस टू द पावर 100, ਸੋ ਇੱਥੇ 99 ਲੈ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ 'ਚ 499 100 ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 20 ਰੇਸ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ 499, ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਦ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਜ਼ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੇਸ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 7 2 ਦਾ 14, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ 1 ਰੇਸਟ ਦੀ ਪਾਵਰ 499, ਸੋ ਮਾਈਨਸ 1 ਰੇਸਟ ਦੀ ਪਾਵਰ 499 ਆ ਜਾਏਗਾ।
उस तो बाद जे अगर प्लस लिखा है स्टूडेंट्स तो प्लस लिख लेना, जो एक मल्टीप्लाई लिखा तो मल्टीप्लाई लिख लेना, जिस तरह इतने प्लस लिखा हुआ है तो प्लस आ जाएगा। सो प्लस हम 20 के केस के 7 थ्री इज द 21, सो इस केस के भी एक वैल्यू घट है, दैट मीनस इतने भी माइनस 1 ही आएगा। सो माइनस 1 रेस्ट की पावर कि आएगा स्टूडेंट्स, माइनस 1 रेस्ट की पावर 99। सो क्वेश्चन नूं पहला तो ध्यान देना, समझ लेना क्वेश्चन होएगा किस तरीके नाल, उस तो बाद क्वेश्चन नूं अप्रोच करना है। सो 7 2 का 14 आना सीगा, तो आप इस क्वेश्चन के इतने नैगेटिव रिमाइंडर ले लिया माइनस 1। 7 3 का 21 आना सीगा, इस केस के आप रिमाइंडर ले लिया माइनस 1। सो दोनों केसिस के माइनस 1 रिमाइंडर आ गया अपना। दैन इस आप डिवाइड कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग इट विद 7। नैक्सट स्टैप के है देखो माइनस 1 रेस्ट की पावर ऑड, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1 की पावर, अगर ऑड होएगी तो यह बन जाएगा माइनस 1। प्लस माइनस 1 की पावर फिर तो ऑड है, दैट मीनस एक ही बन जाएगा माइनस 1। तो डिवाइड किस नाल होएगा, डिवाइड बाय 7। सो माइनस 1 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7। सो इस तरीके ना हुण की आएगा स्टूडेंट्स, हुण आपां इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। सो इट इज़ माइनस 1 माइनस 1, तो अपने को आंसर की आ जाएगा माइनस 2 बाय 7। हुण अगर तो क्वेश्चन दे विच आपां नूं पुछिया होए नैगेटिव रिमाइंडर, फिर तो इत्थों आंसर आ जाएगा माइनस 2। बट बेसिकली इन एवरी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर की होंगे, आंसर जो गिवन होंगे दैट इज़ पॉजिटिव रिमाइंडर, तो आंसर जो होंगे है स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव रिमाइंडर के अकॉर्डिंग दिता होंगे। दैट मीनस इस केस के अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो डिनोमीनेटर की टर्म के जिस टर्म के नाल डिवाइड कर रहे हैं उस दे विच्चों नैगेटिव रिमाइंडर की कर देंगे माइनस कर देंगे। सो 7 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 5। सो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि अगर अपना गिवन क्वेश्चन गिवन वैल्यू नू 7 दे नाल डिवाइड करांगे तो अपना आंसर आ जाएगा 5। सो इस तरीके ना स्टूडेंट्स क्वेश्चन नू तुसीं समझते रहना है, मैं होर दो तीन क्वेश्चन तुहानू करा के हर टॉपिक नू बिल्कुल क्लैरीफाई करके खत्म करांगा वीडियो नू। सो अच्छे तरीके ना नोट कर लेना है, कितने भी कोई डाउट लगता है तो तुसीं जरूर पूछना है क्वेश्चन दे विच। ते हुण आपां गल करदे हां नैक्सट क्वेश्चन दी। नैक्सट क्वेश्चन जो आपां करन जा रहे हां दैट विल बी देखते हैं किवें करना आपां। सो नैक्सट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो आप ले रहे हैं दैट इज़ 13 रेस्ट की पावर 130। सो 13 रेस्ट की पावर 130 इंटू 10। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन ले लिया जी देखो हूँ, बट इतने गलती होने के चांसिज हो सकते हैं। इंटू 10 डिवाइडेड बाय, मैं ये क्वेश्चन दो तरीके कराँगा, एक क्वेश्चन पहला कराँगे उस तो बाद दोबारा इस क्वेश्चन करांगे। सो 113 रेस्ट की पावर 130 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 14, ये अपना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अपन पूछा गया है कि रिमाइंडर फाइंड आउट करो। सो स्टूडेंट्स देखो पहला तो इतने 13 लिखा हुआ है, सो 13 अगर 14 के नाल डिवाइड करांगे, अगर आप 13 14 के नाल डिवाइड करते हैं तो अपने को रिमाइंडर की आएगा माइनस 1। सो अपना स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर करते हैं, माइनस 1 रेस्ट की पावर 130 इंटू टेन डिवाइडेड बाय 14। सो इन द नैक्सट स्टैप, हम नैक्सट स्टैप के देखो की है, इतने माइनस 1 रेस्ट की पावर स्टूडेंट्स की आ गई है ईवन पावर। ईवन पावर मीनस दिस माइनस 1 विल बी कन्वर्टेड इन टू प्लस 1, ये प्लस 1 के कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट विल बी प्लस 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 14। 1 जो है वह 10 के नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 14 के नाल। सो इट विल बी इक्वल टू 10/14, एक ही इक्वल आ जाएगा 10/14। सो हूँ देखो 10 की है, 10 अपने को पॉजिटिव आ है, 10 इज़ पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू अपने को आई है तो इस केस के रिमाइंडर की आ जाएगा, रिमाइंडर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी
10. So 10 will be the remainder for the given question. ये जड़ा given question है, इस दे लिए remainder की आ जाएगा 10. हुण स्टूडेंट्स एक होर चीज़ है, अगर तुसी ध्यान देना देखो, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ही चेंज कर रहे हैं, एक बार पहले ही नोट कर लो, फिर आप क्वेश्चन नू चेंज कर रहे हैं। माई नैक्सट क्वेश्चन इज, मैं जो नैक्सट क्वेश्चन ले रहा हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल चेंज करता, आप मैं 13 की पावर चेंज करती, बस क्वेश्चन की चेंज किया है। इन द क्वेश्चन वी हैव चेंज द पावर ऑफ 13, मैं की कर रहा स्टूडेंट्स इतने 13 रेस्ट द पावर 127 ले रहा है जी, 13 रेस्ट द पावर 127 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 14। सो क्वेश्चन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा अगर थोड़ी जी पावर चेंज होगी। हुण बिल्कुल ध्यान दे नाल क्वेश्चन समझ लेना है, किते भी कोई डाउट नहीं रखना स्टूडेंट्स, अगर डाउट रखोगे फिर प्रॉब्लम आएगी। बाकी जिन्ना तुसी क्लैरिफाई, जिन्ने तुसी क्वेश्चंस करोगे उन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस होएगी, तो बिल्कुल सिर्फ इन्हां क्वेश्चंस दे उपर डिपेंड नहीं रहना जिहड़ा मैं करवा रहा हाँ, इस तो बिना बहुत सारे होर क्वेश्चंस भी ने जिहड़े बन सकते हैं, सो उन्हां बारे भी तुसी एक बार प्रैक्टिस करनी है। सो 13 नूं 14 दे नाल डिवाइड करांगे तो अपने को की आ जाएगा स्टूडेंट्स, नैगेटिव रिमाइंडर आएगा, नैगेटिव रिमाइंडर ऑफ -1, तो इतने की आ जाएगा -1 रेस्ट द पावर 127। सो -1 रेस्ट द पावर 127 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 14। सो दिस विल बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस, दिस इज ऑड पावर, सो -1 रेस्ट द पावर 127, दैट मीन्स दिस -1 विल रिमेन एज इट इज, सो इट विल बी -1 इंटू 10 नाउ, सो -1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 14। इन द नेक्स्ट स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव -10 डिवाइडेड बाय 14, -10 डिवाइडेड बाय 14। नाउ यू कैन चेक दिस वैल्यू इज नेगेटिव, सो दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव रिमाइंडर, सो 14 - 10 दिस विल बी इक्वल टू 4, सो 4 विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई होप यू कैन सी हाउ द पावर विल चेंज द आंसर, सिंपल पावर, सिंपल चेंज इन पावर विल चेंज द आंसर। सो नाउ फॉर दिस क्वेश्चन द एग्जैक्ट आंसर, द राइट आंसर इज 4। सो इन दिस वे यू हैव टू अटैम्प्ट द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, आइदर यू कैन यूज द रिमाइंडर थ्यूरम और यू कैन यूज द यूनिट प्लेस मैथड, बट इन दिस वे यू हैव टू अटैम्प्ट द क्वेश्चन। सो वी विल सी सम मोर क्वेश्चन नाउ, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स एज वेल एज SSC exams. You can subscribe to our channel and you can share this video with your friends as well as you can like this video. Now we are moving to the next question. So dosto hun apan gal karange agle question di. Agla question jo apan le rahe haan oh apan lene haan ke let's suppose अपा ले लेने 18 रेस्ट द पावर 40 प्लस, चलो पहला 80 रेस्ट द पावर 40 ले लेने हैं, इट इज़ डिवाइडेड बाय आप ले लें इतने 5। सो डिफरेंट मैथड्स ने अपना किसी भी क्वेश्चन को किस मैथड के किस तरीके अप्रोच करना है, बहुत अलग अलग मैथड ने स्टूडेंट्स, सो हर मैथड इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहाँगा कोई पर्टिकुलर, मैं एक मैथड नहीं कहाँगा कि पर्टिकुलर एक मैथड लैके चलो,
तुहानू सारे मैथड आते आते होने चाहिए ने बेसिकली। सो इतों आप अगर 5 नू 18 दे नाल डिवाइड कर लाँगे तो अपने को रिमाइंडर आ जाएगा 3। सो हुण इसनू नैक्सट स्टैप दे विच आपां किस तरह लिख सकते हैं वह समझो। इसनू आपां नैक्सट स्टैप दे विच लिख सकते हैं 3 raised to the power 40। सो स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर आपां फॉलो करांगे एंड बाकी होर कई गल्लां चल दियां ने ते पॉज वीडियो विच आपां पॉज तो बाद थोड़ी जी ब्रेक तो बाद आए हाँ ते इसका रिमाइंडर हो जाएगा 5। हुण देखो स्टूडेंट्स हर चीज़ नू समझण दे लई बहुत सारे मैथड हुंदे ने। सो स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर हुण मैं की करांगा इसनू मैं 9 बना लाँगा ठीक है जिस नाल मैनू की मिल जाए रिमाइंडर 1 मिल जाए। सो ये स्टैप बाय स्टैप जो तुसीं क्वेश्चन करते हो उदों तुहानू चीज़ समझ आती है कि तुसी क्वेश्चन नू किस तरह करना। हुण देखो इहनू मैं 9 बना लिया 3 threes 9 तां 3 to the power 2 इत्थे की आ जाएगा स्टूडेंट्स इत्थे आ जाएगा 20 ते इसके नीचे आ जाएगा जी 5। सो स्टैप बाय स्टैप आपां इस क्वेश्चन नू कंटिन्यू करना। देखो 3 raised to the power 2 दिस विल बिकम नाउ इट विल बिकम 9 तां ये 9 बन जाएगा। हुण की आ जाएगा 9 raised to the power 20। सो इट विल बी 9 raised to the power 20 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 5। हुण देखो स्टूडेंट्स जदों आपां 9 नू 20 दे नाल डिवाइड करांगे वैन वी डिवाइड 9 with 20 जेकर आपां 9 नू 5 दे नाल करांगे तां इसदा नैगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। नैगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर तां 4 आएगा। नैगेटिव रिमाइंडर स्टूडेंट्स की आ जाएगा नैगेटिव रिमाइंडर विल बी -1। सो ये -1 raised to the power किन्नी हो जाएगी इट विल बी -1 raised to the power 20 डिवाइडेड बाय 5। सो हुण देखो इस दे विच की है हुण -1 raised to the power 20 है दैट मीनस इत्थे जिहड़ा अपना आंसर आएगा -1 की पावर किहड़ी है ईवन पावर है इत्थे। सो ये ईवन पावर होण करके एक ही बन जाएगा इट विल बिकम +1 ए +1 हो जाएगा। सो 1/5। सो फाइनली इस क्वेश्चन का आपां रिमाइंडर जो है आपां कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आएगा 1। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू हैव टू अप्रोच टू द क्वेश्चन। इस तरीके नाल तुहानूं क्वेश्चन नूं जो है उस स्टैप बाय स्टैप अप्रोच करना पड़ेगा। हाँ पेपर दे विच मैं मानता हाँ कि इस दे विच हो सकता है थोड़ा हार्डली 1-1.5 मिनट जरूर लगेगा बट जो तुसी प्रैक्टिस कर लोगे फिर प्रैक्टिस तो बाद जिहड़ी चीज़ है थोनू वह ईजी महसूस होएगी। सो आई होप तुसी क्वेश्चन नू समझिया होएगा अच्छे तरीके नाल कि किस तरीके नाल आपां इस क्वेश्चन नू अप्रोच करना सीगा। एंड जेकर थोनू वीडियो चंगी लगी है वीडियो तो कुछ सीखण नू मिलिया है तां स्टूडेंट्स मैं जरूर कहांगा कि वीडियो नू लाइक शेयर एंड चैनल नू जो है वह सबसक्राइब जरूर कर लो। हुण आपां गल करदे हाँ नैक्सट क्वेश्चन की। कई बार इदां दे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो हर तरह के क्वेश्चन की जो प्रैपरेशन है वह तुसीं करते रहना है। सो नैक्सट क्वेश्चन आपां लैने आ। सो नैक्सट क्वेश्चन जो थोड़ी स्क्रीन के उत्ते डिस्पले हो रहा है वह आपां ले रहे हैं। सिंपल जिहा क्वेश्चन ले रहे हैं इस दे विच पावर्स नहीं ले रहे। इस दे विच की है फ्रेंड्स इस दे विच आपां ले रहे हैं मल्टीप्लाई लाइक जिदा इत्थे आ गया 23 into 40 into 49 या इत्थे 53 ले लैने चलो 53 into 17 into 25। सो ये अपना एक टर्म ले ली। इस कंप्लीट टर्म नूं जेकर आपां 7 दे नाल डिवाइड करते हैं 7 दे नाल फिर आपां नूं पूछा गया है कि इसका रिमाइंडर क्वेश्चन का की होएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो इतों हुण आपां पॉजिटिव रिमाइंडर लेके करते हैं क्वेश्चन ताकि थोड़ा जिहा आपां नूं ईजी लगे ठीक है बाकी देखते हैं। सो 23 की जगह पर कितना रिमाइंडर आ जाएगा 2 40 की जगह पर आ जाएगा 5 53 की जगह पर आ जाएगा 7 7 का 49 4
17 की जगह पर आ जाएगा 7 टू का 14 3 तो इतने आ जाएगा 4। सो सारे रिमाइंडर मल्टीप्लाई कर देने हैं, जो भी साइन आएगा वो लिख देना, जे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, जे प्लस है तो प्लस। सो इतने आ जाएगा 7 थ्री का 21 टू रिमाइंडर, 7 फाइव का 35 फाइव रिमाइंडर। सो अगे आ जाएगा जी 7 का 49 4 रिमाइंडर, अगे आ जाएगा 7 टू का 14 3 रिमाइंडर, 7 थ्री का 21 4 रिमाइंडर। सो इस तरीके आप इस क्वेश्चन नू सॉल्व करना होंदा है। सो दैन अपने को आ जाएगा 7 डिनोमीनेटर दे विच, ठीक है जी। सो अगे देख लें की बनता है, 5 टू का 10 10 फोर का 40, सो 40 का फिर रिमाइंडर आ जाएगा 5, तो 3 4 का 12, तो 12 का रिमाइंडर भी की आ जाएगा इतों, 4 3 का 12 12 का रिमाइंडर भी 5 आ जाएगा। सो 5 इंटू 5 बाय 7, सो फाइनली अपना आ जाएगा 25 बाय 7। जिस तो बाद फिर फर्दर अगर देखोगे 25 बाय 7 करके भी अपना रिमाइंडर की आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 4 विल बी द रिमाइंडर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आंसर आएगा रिमाइंडर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4। सो दोस्तों इस तरीके नाल आपां जिहड़े क्वेश्चनस हन उन्हां नूं अप्रोच करना हुंदा है, हरेक क्वेश्चन के लिए आपां रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं, एंड काफ़ी कुछ थोनों सीखने को मिल रहा होएगा वीडियो के विचों। एंड मैं रिक्वेस्ट यही कहाँगा कि जेकर वीडियो तो थोनों कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो नू लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, एंड अपने चैनल नू जो है सबसक्राइब जरूर कर लो, ताकि टाइम टू टाइम जिहड़ी भी अपडेट तुसी असी वीडियो यूट्यूब के उपर करते हैं वो अपडेट थोनों टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो एक दो क्वेश्चन होर कंटिन्यू करते हैं अज की वीडियो के, एक क्वेश्चन हूँ मैं स्क्रीन के उत्ते लिख रहा है, तुम इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर आप इस क्वेश्चन के आंसर की गलबात करते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि 473 ले लें, ठीक है जी, 473 रेस्ट की पावर 473, सो 473 रेस्ट की पावर 473 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है जी, बहुत ही ठीक है जी। हुण देखो इस क्वेश्चन नूं किवें करना है, तुसीं इत्थे 473 है तो इत्थे की है 10। देखो अगर 473 नूं 10 दे नाल डिवाइड करांगे तो अपने कोल रिमाइंडर की आ जाएगा, इट्स रिमाइंडर विल बी 3, 3 आ जाएगा जी रिमाइंडर। दैट मीनस आप इस नैक्सट स्टैप के लिख सकते हैं 3 रेस्ट की पावर 473, सो 3 रेस्ट की पावर 473 आप इस लिख सकते हैं। दैन इस डिवाइड किस ना कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10, 473 रेस्ट की पावर 473 डिवाइडेड बाय 10, then in the next step ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ 3 ਰੈਸਟ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ इट विल बी लाइक 3 रेस्ट की पावर 2, बिकॉज इतों अपन की मिल जाएगा नैगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा -1, 3 का 9, सो उतों नैगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। अगे गल करते हैं 3 रेस्ट की पावर 2 आप लिख लिया, अगे लिख लिया 2 टूज का, सो इसकी पावर देख लो कि आएगा 2 टूज का 4, 2 थ्री का 6, 236 आ जाएगा, 236 का डबल कर देंगे 472 आ जाएगा, ते नाल इस ते मल्टीप्लाई कर देने 3 रेस्ट की पावर 1, ताकि अपनी जिहड़ी पावर है वह 473 बन जाए। हुण इस दे डिनोमीनेटर दे विच की है, देखो इस दे डिनोमीनेटर दे विच 10 कंटिन्यू रहेगा। यह क्वेश्चन वैसे यूनिट प्लेस नाल भी आई थिंक हो सकता सी, बट डिपेंड करता है, हाँ जी यूनिट प्लेस नाल भी हो जाएगा यह क्वेश्चन।
हूँ एक क्वेश्चन मैं यूनिट प्लेस नाल भी थोड़ा करके दिखावगा ठीक है उस नाल भी चैक हो जाएगा क्योंकि जो 10 की डिविजिबिलिटी आ जाएगी या 5 की डिविजिबिलिटी आ जाएगी फिर अपना क्वेश्चन यूनिट प्लेस नाल भी कर सकते सीगे। सो इस क्वेश्चन की फिलहाल आप गल कर रहे हैं यह बन जाएगा जी 9 ठीक है। सो 9 रेस्ट की पावर 236 आ जाएगा अपने को 9 रेस्ट की पावर 236 इंटू 3 रेस्ट की पावर 1। सो हर स्टैप नू मैं इत्थे डिस्क्राइब कर रहा फिर भी अगर तुहानू किते कोई डाउट लगता है तो तुसी उस डाउट नू क्लैरीफाई जरूर करना है। सो इट इज़ डिवाइडेड बाय 10। हुण देखो इत्थे की आ जाएगा स्टूडेंट्स इत्थे अपना आ जाएगा नैगेटिव रिमाइंडर 9 दे केस दे विच। सो दैट मीनस इन द नैक्सट स्टैप वी कैन राइट हेयर -1। सो -1 रेस्ट की पावर किन्नी है जी 236। सो -1 रेस्ट की पावर 236 नाल की आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 रेस्ट की पावर 1। सो 3 की पावर 1 आ जाएगी डिनोमिनेटर दे विच आ जाएगा 10 ठीक है जी। हुण इसका नैक्सट स्टैप आ जाएगा -1 रेस्ट की पावर 236। 236 की है ऑड पावर है सॉरी ईवन पावर है। सो ये ईवन पावर होने करके माइनस की हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो अपना रिमाइंडर आ जाएगा +3 3/10 आ जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 3। हुण देखो यही क्वेश्चन अगर तुम इस मैथड नाल ना जाते तुम यूनिट प्लेस नाल करन दी कोशिश करते उत्थों भी क्वेश्चन हो सकता सी। सो वह भी देख लो किस तरह होएगा यूनिट प्लेस के मैथड के नाल उस तो बाद आप इस वीडियो कंक्लूड करांगे। सो यूनिट प्लेस का मैथड की है स्टूडेंट्स यूनिट प्लेस का मैथड ये सी कि 473 थोनू गिवन सीगा 473। सो 473 रेस्ट की पावर की सी इसकी पावर सी 473 क्योंकि जो डिवाइड बाय 10 करना है फिर अपने को एंड च रिमाइंडर की आता है रिमाइंडर जिहड़ा यूनिट प्लेस के उपर वैल्यू होंदी है उही आती है। अगर मैं 23 डिवाइड करा तो 3 जो है यूनिट प्लेस के उपर है उही रिमाइंडर आता है। सो इतों दैट मीनस अगर मैं यूनिट प्लेस चक ला सो इतों मैं यूनिट प्लेस के नाल क्वेश्चन सॉल्व करा 3 रेस्ट की पावर मैं पहला 4 लिख चलो पहले स्टैप के 3 रेस्ट की पावर 473 लिख लें 3 रेस्ट की पावर 473 डिवाइडेड बाय डिवाइड की इतने जरूरत नहीं है पहले आप यूनिट प्लेस चैक कर लें। सो नैक्सट स्टैप के आ जाएगा नैक्सट स्टैप के अपने को आ जाएगा हूँ 3 की पावर 473 है इसनों की करते हैं 3 रेस्ट की पावर 4 लिख लें बिकॉज 3 रेस्ट की पावर 4 की दे देगा अपन यूनिट प्लेस 1 दे देगा। सो 4 के नाल लिखांगे तो इतने आ जाएगा 4 वंस द 4 एंड 8 आ जाएगा ठीक है जी। इस नाल की बन जाएगा थोड़ा 472 नाल की आ जाएगा 3। हुण देखो इतने यूनिट प्लेस की आ जाएगी 3 रेस्ट की पावर 4 इस केस के यूनिट प्लेस के उत्ते की आ जाएगा यूनिट प्लेस के उत्ते आ जाएगा थोड़ा 1। सो 1 रेस्ट की पावर की आ जाएगा 1 रेस्ट की पावर 118। सो 1 रेस्ट की पावर 118 इंटू 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय अजे जरूरत ही नहीं है। सो अपने को एक नंबर आएगा अगर आप इसकी ये पावर कैलकुलेट करांगे तो जिहड़ा भी नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस स्टूडेंट्स की हो जाएगी 1 इंटू 3। सो 1 इंटू 3 दैट मीनस इसकी यूनिट प्लेस हो जाएगी 3। नंबर कुछ भी होए आपां नूं मैटर नहीं है उसके रिगार्डिंग ठीक है नंबर कुछ भी हो सकता है। सो जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस आएगी 3। दैट मीनस स्टूडेंट्स हुण देखो अगर आप 10 दे नाल किसी भी नंबर नूं डिवाइड करते हैं तो अपना आंसर रिमाइंडर की आता है जिहड़ा यूनिट प्लेस के उपर हुंदा है। सो जो यूनिट प्लेस के उपर होएगा वही रिमाइंडर आएगा ना अपना। सो दैट मीनस इस क्वेश्चन नूं तुसीं यूनिट प्लेस नाल भी सॉल्व कर सकते सीगे अर्लीयर आपां इसनूं रिमाइंडर थ्योरम दे नाल सॉल्व करन की कोशिश की है बट इस क्वेश्चन नूं तुसीं यूनिट प्लेस वाला मैथड जिहड़ा आपां हुणे यूज़ करके हटे हैं इस मैथड दे नाल भी तुसीं इस क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकते सीगे। सो स्टूडेंट्स आपां काफ़ी क्वेश्चन अज ट्राई किए ने आई होप तुसीं सारे दे सारे क्वेश्चन जो ने समझे होणगे।
जान तो पहला एक क्वेश्चन चलो होर करके जाने हैं, उस तो बाद वीडियो नू कंक्लूड करांगे। सो एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज का क्वेश्चन वैसे नहीं बनता पटवारी के बीच, रहने देने उस क्वेश्चन नू। सो डिविजिबिलिटी दे बारे ही लिखा हुआ है। सो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हाँ। सो अपन क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, ठीक है जी, अपन क्वेश्चन आया है ठीक है जी, क्वेश्चन की है 4 7 star 4 7 star 9 ओके स्टार रहने दो, इतने एक्स कर लो प्लीज, 4 7 x y एंड इतने आ गया अपने को 5। हुण आपां नूं कहा गया है इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय फोर्टी, ओके एक काम करते हैं, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 18, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 18, एक मिनट वेट करो जी, एक मिनट वेट करो, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, एक्स तक लिया सी आपां, सो एक्स तो पहला आपां इत्थे 5 लेने आ ते इत्थे लेने आ, इत्थे आपां 5 लेने आ ते इत्थे लेने आ वाई। सो दिस इज द नंबर गिवन टू मी, ये नंबर लिया आपां ते आपां नूं देता है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, अगर यह नंबर डिविजिबल बाय 5 है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई। ध्यान देना क्वेश्चन समझो स्टूडेंट्स की है, डिविजिबिलिटी के नाल ही रिलेटड क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटड इस टाइप के क्वेश्चन आप अगली वीडियो के कोशिश करा डिस्कस करिए, क्योंकि आज जो ये क्वेश्चन सी रैंडमली मैं खुद तो लाए सीगे। सो अगली वीडियो दे विच कोशिश करांगे कि जो क्वेश्चंस आपां पुट कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस कित्थों होण, वो किसी पर्टिकुलर बुक दे विचों आपां लैण दीआं क्वेश्चंस जिहड़े ने पर्टिकुलर बुक दे विचों लैण दी कोशिश करिए, ताकि आपां नूं क्वेश्चंस दे बारे आइडिया लग सके। सो 4 7 x 5 y डिवाइडेड बाय 5, आपां नूं एक्स वाई मीनस एक्स एंड वाई प्रोडक्ट जो है इसकी मैक्सीम वैल्यू फाइंड आउट करने लिए कहा गया है। सो इसकी मैक्सीम वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने लिए कहा गया है। सो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो एक ऑप्शन ये है कि वाई नूं की करो, वाई नूं अपना जीरो मान लिए, क्योंकि डिविजिबल ये नंबर उदों ही होएगा, ठीक है जी, डिविजिबल ये नंबर उदों ही होएगा जदों अपने कोल की होए इतों वाई की वैल्यू जीरो होए या फिर वाई की वैल्यू 5 होए, या तो देखो दो दो ही ऑप्शन है इतों, या तो स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू जो है अपने कोल जीरो होए, ठीक है जी, वाई की वैल्यू जीरो, या दूसरा ऑप्शन की है वाई की वैल्यू जीरो ना होके वाई की वैल्यू जीरो की जगह पर होर की हो सकती है, जीरो की जगह पर यह वैल्यू 5 होए, क्योंकि दो ही केसिस दे नाल 5 की डिविजिबिलिटी बनती है अगर यूनिट प्लेस दे उत्ते या तो जीरो होए या फिर 5 होए। सो अगर मैं इतने जीरो ले लाँ गया, लैट्स सपोज मैं वाई नूं जीरो ले लिया, तो प्रोडक्ट की बन जाएगा, एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट जीरो बन जाएगा, इस करके मैं जीरो नूं इतने वाई की वैल्यू जीरो नहीं अप्रोच करांगा, आई विल टेक वाई इक्वल टू 5, मैं इतने वाई नूं इक्वल टू 5 ले लिया। स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इतने 5 ले लिया यूनिट प्लेस के उपर कोई भी वैल्यू जिहड़ा डिजिट सी
अगर उसने 5 ले लिया है या 0 ले लिया है, तो एक्स की तो कोई भी वैल्यू हो 5 ना डिविजिबल ही होएगी। एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। सो एक्स की तुम कोई भी वैल्यू इतने ले सकते हो। इस करके ये क्वेश्चन मैं पहला इंपॉर्टेंट मानागा कि इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैपरेशन आप अगली वीडियो के जरूर करा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इस तो बिना मैनू नहीं लगता कि ज़्यादा डिविजिबिलिटी दे विच कुछ बनेगा होर। सो जिहड़ी भी चीज़ आप कर रहे हैं वो सारे की ने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ने। सो एक्स इंटू आई की मैक्सीमम वैल्यू अपन पूछी गई है। पहली चीज़ तो यह है कि वाई की वैल्यू आप क्वेश्चन के 5 लेके चलेंगे। वाई की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे फिर आंसर 0 हो जाएगा। सो मैक्सीमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहला तो वाई को 5 लेके चलना पड़ेगा। दूजी गल है एक्स की कितनी वैल्यू लईए। हुण एक्स की वैल्यू देखो कुछ भी ले सकते हो 1, 2, 9 दे विच। सो बट मैक्सीमम वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है 9 and एक्स एंड वाई के प्रोडक्ट की मैक्सीमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 9 × 5 मल्टीप्लाई कर देने 9 × 5 = 45। सो 45 विल बी द मैक्सीमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के प्रोडक्ट की मैक्सीमम वैल्यू जो है दैट विल बी 45। तो एक्स और वाई के प्रोडक्ट की मैक्सीमम वैल्यू 45 आएगी। दूसरी गल करते हैं, अगर इतने मिनीम वैल्यू पूछा हों स्टूडेंट्स, तो मिनीम के लिए तुम्हें की करना सीगा, इस वाई को 0 पुट कर लेना सीगा। एक्स की वैल्यू कुछ भी होंगी तो 0 × 9 करके थोड़ा आंसर बन जाता 0। सो दैट मीनस अगर आपको इस क्वेश्चन के एक्स एंड वाई की मैक्सीम वैल्यू पूछी गई है, सो मैक्सीम वैल्यू लिए अपना आंसर आएगा 45। बट इनकेस अगर आपूछा हों कि वट इज़ द मिनीम वैल्यू, सो अगर मिनीम वैल्यू पूछी होंगी फिर अपना आंसर आ जाता स्टूडेंट्स 0। सो इस तरीके अज की वीडियो के आप क्वेश्चन कॉन्टीन्यू कर रहे थे। सो एक दो क्वेश्चन मैं होर जरूर चाहागा कि इस टाइप के आप कॉन्टीन्यू कर लिए अज की वीडियो के जेकर वीडियो तो कुछ सीखने मिल रहा है स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़े लिए यूजफुल है, तो मैं एक रिक्वेस्ट दोबारा कराँगा कि वीडियो में लाइक शेयर एंड चैनल में सबसक्राइब स्टूडेंट्स जरूर कर लो। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन के उत्ते डिस्प्ले कर रहे हैं। वेट करो जी एक बार, इस क्वेश्चन तुसी खुद भी ट्राई करना है। सो हुण स्टूडेंट्स नैक्सट क्वेश्चन जो है वो थोड़ी स्क्रीन के उत्ते डिस्प्ले होएगा। क्वेश्चन आप ले रहे हैं, क्वेश्चन आप ले रहे हैं 4, 3, 2, 0 एक्स एंड वाई। ठीक है जी, सो 2, 4, 3, 2, 0 एक्स एंड वाई आप ले रहे हैं नंबर। सो इस क्वेश्चन के भी अपन एक्स एंड वाई दे प्रोडक्ट की, चलो इस क्वेश्चन के सम ले लें, एक्स ए प्लस वाई की मैक्सीम वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने अपन कहता है। ठीक है जी, अपन की किया है एक्स प्लस वाई की मैक्सीम वैल्यू अपना फाइंड आउट करनी है। सो एक्स प्लस वाई की मैक्सीम वैल्यू किमें आएगी वो हम देखने वाली चीज़ होएगी अपने को। देखो आप एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैक्सीम फाइंड आउट करनी है। सो कई मैथड हो सकते हैं किस तरह होएगी ये देखने वाली गल है। आप एक काम करते हैं, पहला तो आप वाई दी पॉसिबिलिटीज़ देख लें, वाई अपने को हो सकता। अच्छा इसकी कंडीशन भी लेनी पेगी कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय एनी पर्टिकुलर नंबर, तो आप ले रहे हैं 6 नाल डिविजिबल ले रहे हैं इसमें। ठीक है जी, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 फाइंड द मैक्सीम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की मैक्सीम वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के। सो क्वेश्चन आई थिंक क्लीयर हो गया होएगा, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द मैक्सीम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। सो एक्स प्लस वाई की मैक्सीम वैल्यू जो है वो आप इस क्वेश्चन के फाइंड आउट करनी है।
सो हम ट्राई करते हैं जी इस क्वेश्चन नू, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन दे विचों अपन की नवा कुछ सीखने को मिलता है। फर्स्टली स्टूडेंट्स वी हैव टू चैक द वैल्यू ऑफ वाई। देखो सिक्स नू अपा कि लिख सकते हैं, सिक्स नू अपा लिख सकते हैं 3 × 2। दैट मीनस पहली कंडीशन तो यह होगी कि जोड़ा ये नंबर है 4320xy, दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय, ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए है जी अपना बाय 2। सो या तो वाई की वैल्यू 2 आएगी, या वाई की वैल्यू 4 आएगी, या वाई की वैल्यू 6 आएगी, या वाई की वैल्यू 8 आएगी। सो हर चीज़ नूं आपां पॉसिबल लेके लेके चलना, ठीक है जी। सो 2, 4, 6, 8 अगर मैं इसकी गल करा 4 हुण इस तों बाद ये नंबर किन्ने नाल डिविजिबल होना चाहिए है, 3 नाल भी डिविजिबल होना चाहिए है, मतलब ये नंबर 3 नाल भी डिविजिबल होना चाहिए है ते 2 नाल भी डिविजिबल होना चाहिए है। सो 3 वाले 2 वाला केस आपां लिख लिया है, 3 वाला केस आपां देखना है। हुण अगर मान लो वाई की वैल्यू 2 है तो इस नंबर का सारा सम की आना चाहिए है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 3। सो हुण आपां उस तरीके नाल देखना है कि उस तरीके नाल हुण एक्स की वैल्यू हो सकती है। अगर वाई की वैल्यू 2 लैने सब 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 2 = 11, तो 11 दे विच हुण केड़ी वैल्यू ऐड करके आपां मैक्सिमम वैल्यू बना सकते हैं। सो 11 दे विच जेकर मैं 7 ऐड करदा, 11 दे विच 9 ऐड करे ते तां 20 हो जाएगा। सो 11 दे विच मैं मैक्सिमम केस ले रहा 7, सो 11 + 7 विल बी इक्वल टू 18। ध्यान देना समझो, 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 2 = 11, 11 दे विच जेकर मैं 7 नू ऐड करदा तां मेरे कोल 18 बन जाएगा, दैट इज़ डिविजिबल बाय 3। तां ये कुछ रूल्स हुंदे ने डिविजिबिलिटी दे, अगर तुहानूं नहीं पता तां तुहानूं पुरानियां वीडियोज़ देखणियां पैणगियां। मीनस अगर 2 होएगा तां मैक्सिमम वैल्यू 7 लेके 7 + 2 = 9 बन जाएगी, पहली गल अपनी। गल करते हैं दूसरे की, दूसरा की आ सकता है 4 आ गया अपने को। सो 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 4 = 13। हुण 13 दे नाल 13 दे विच अगर आपां 8 ऐड कर दिए, तां अगर 13 दे विच 8 ऐड कर दांगे तां बन जाएगा 21, 21 इज़ डिविजिबल बाय 3, तां अपना ए केस बन सकता है। सो आपां तां मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तां करके आपां नूं ये केसिस बनाने पै रहे ने। अगले केस की गल करते हैं, अगर वाई की वैल्यू 6 लैने तो 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 6 = 15 हो गया जी। 15 दे विच 9 ऐड कर दांगे तो आ जाएगा 24। सो इत्थे 9 आ सकता है, मीनस इत्थे एक्स की वैल्यू 9 आ सकती है जो आपां वाई नूं 6 लिया। सो 9 + 6 कर सकते हैं। नैक्सट केस अपना की है, वाई नूं आपां ले लिया 8। सो ये अपना कितना हो गया, 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 9, 9 + 8 = 17। बट एक्स की वैल्यू 10 नहीं ना हो सकती, क्योंकि एक्स की है सिंगल डिजिट है। सो एक्स की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, 17 + कि कर सकते हैं, 17 + 7 ही कर सकते हैं, 17 + 7 = 24 हो जाएगा, 24 इज़ डिविजिबल बाय 3, 24 जो है वो डिविजिबल बाय 3 आ जाएगा। सो इस तरीके नाल ए केसिस बनेंगे, जो लैफ्ट हैंड साइड के उपर वैल्यू लिखी है स्टूडेंट्स, दैट वैल्यू इज़ फॉर एक्स। जिहड़ी लैफ्ट हैंड साइड के उपर वैल्यूज़ है 7, 8, 9, 7, ये सारिया किस दियाँ वैल्यूज़ ने, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो जो वैल्यूज़ राइट हैंड साइड के उपर लिखिया ने 2, 4, 6 & 8, दे आर द वैल्यूज़ फॉर वाई। सो इस चीज़ को भी क्लीयर कर लेना है। हुण आपां गल करदे आं सम दी। सो इस केस दे विच सम आएगा 9, इस केस दे विच आएगा 12, इस केस दे विच आएगा 15। सो इस केस दे विच भी किन्ना आएगा, नैक्सट केस दे विच 8 + 7 = 15। सो दो केसिस हो गए ने जिन्हां दे विच अपना सम की बन रहा है, 15 बन रहा है। बट स्टूडेंट्स अपने कोल आंसर तां आपां ने हुण देखो उत्थे आपां नूं ये तां पुछया नहीं एक्स एंड वाई दी वैल्यू वगैरह बारे। सो अपने आपां नूं यही पुछया मैक्सीमम वैल्यू एक्स प्लस वाई दी किन्नी हो सकती है। सो मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई की इस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन के लिए 15 हो सकती है। सो इस तरीके स्टूडेंट्स जोड़े भी क्वेश्चन थोड़ू पूछे जाते हैं एग्जाम के, कोशिश करना है अच्छे तरीके अटैम्प्ट करन दी।
बाकी के क्वेश्चन के लिए आप अगली वीडियो के मिलेंगे। सो अज की वीडियो के इन्नी हाजरी अपनी कबूल करो। सो बाकी जेकर वीडियो चंगी लगे तो वीडियो में लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो। जिन्हें भी स्टूडेंट्स पटवारी के एग्जाम की प्रैपरेशन कर रहे हैं उन्होंने नाल इस वीडियो में जरूर तुसी शेयर करो, ताकि उन्होंने तक जिन्हें भी अपडेट ने, जिन्हें भी टाइप के क्वेश्चन ने, वह हर टाइप के क्वेश्चन देख सकन। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टूडेज सैशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।